साल 1857 में जब भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो देश को जरूरत थी एक झंडे की। उस दौरान जिस झंडे ने देश का प्रतिनिधित्व किया उसमें भारतीयता की भावना का अभाव था। कहने का मतलब ये कि ये झंडा भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के लिए ही बनाया गया था। इस झंडे को नीले रंग में डिजाइन किया गया था, इसमें एक ओर यूनियन फ्लैग का इस्तेमाल किया गया तो वहीं दूसरी तरफ शाही मुकुट में लगा भारत का एक सितारा था। लेकिन साल 1904 से 1906 के आसपास पहली बार राष्ट्रीय ध्वज लोगों के सामने आया। इसे स्वामी विवेकानंद की आयरिश शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था। इस ध्वज में लाल रंग आजादी की लड़ाई और पीला रंग जीत का प्रतीक था। इस पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम, जिसका हिंदी में अर्थ वंदे मातरम होता है, लिखा गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही इसमें बदलाव हुए। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौराहा कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, जिसे कोलकाता ध्वज कहा गया। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियों से बनाया गया था। इसमें कमल के फूल और चांद, सूरज भी बने थे। दूसरा झंडा पेरिस में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया। हालांकि कई लोगों का कहना है कि यह घटना 1905 में ही हुई थी। यह भी पहले ध्वज के जैसा ही दिखता था। इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। खास बात यह है कि इस झंडे को बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी इस्तेमाल किया गया। तीसरा ध्वज साल 1917 में आया, जब देश के राजनैतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ ले लिया। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इस झंडे को फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि को दिखाने के लिए इसमें बने 7 सितारे थे। बाईं ओर ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक था, एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और एक सितारा भी था। साल 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह झंडा 2 रंगों में बना था, लाल और हरे रंग में, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। बाद में इसे जोड़ा भी गया। साल 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार साल रहा। इसी साल देश का 5वां झंडा सामने आया, जो सबसे पहले वाले झंडे से थोड़ा ही अलग था। इसमें चक्र के स्थान पर लगा था चरखा। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब देश के प्रथम राष्ट्रपति व कमेटी प्रमुख राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करने के लिए 22 जुलाई को एक सभा बुलाई। यहां सब ने एकमत होकर कांग्रेस से उनका ध्वज लेने की बात कही। कांग्रेस का ध्वज वही था जो साल 1931 में बनाया गया था। सबने एक स्वर में उस ध्वज में बदलाव किया। बदलाव ये हुआ कि झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र को लगा दिया गया और कुछ इस तरह से देश को मिला उसका राष्ट्रीय ध्वज, जो आज भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है।